हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दिलकर और आप देख रहे हैं हाउ टू इंजीनियर्स। आज की जो वीडियो है वो मैग्नेट कॉन्टैक्टर और एसएसआर में फ़र्क है कि एसएसआर में और मैग्नेट कॉन्टैक्टर में क्या फ़र्क होता है और इसका मेन जो डिफरेंस है वो क्या है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं एसएसआर के और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नेट कॉन्टैक्टर को देखेंगे कि ये क्या है और किस तरह से ऑपरेट होता है और इसको हम किस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास कॉन्टैक्टर का पता होना चाहिए, कॉन्टैक्टर जो है वो कितने वोल्ट पर ऑपरेट होगा। ठीक है, इसकी जो कॉइल है अंदर वो कितने वोल्ट की है, तो ये जो है 220 वोल्ट और 240 वोल्ट 50 हर्ज और 60 हर्ज पर ऑपरेट होगा। इसकी जो कॉइल है अंदर वो 220 और 240 वोल्ट पर ऑपरेट होगी। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन पॉइंट है। ठीक है, दो नॉर्मली क्लोज और दो नॉर्मली ओपन पॉइंट है, टोटली इसमें चार पॉइंट है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, कॉन्टैक्टर में हम एक्सिलरी पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसके साथ ओवरलोड रिले भी लगा सकते हैं। ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर के बेनिफिट हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एसएसआर की। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास एसएसआर है, सॉलिड स्टेट रिले। सही है, इसको जो है हम ऑपरेट करते हैं 4 वोल्ट से लेके 32 वोल्ट तक जब हम डीसी को अप्लाई करते हैं। तो ये जो एसएसआर है ये इसके जो कॉन्टैक्ट हैं वो वाले जो हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं और यहाँ से जो है करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो ये इसकी रेटिंग जो है 480 वोल्ट एसी, 10 एम्पीयर और 50 to 60 हर्ट्ज। ठीक है, ये 480 वोल्ट एसी की जो है वो एसएसआर है। इसके अलावा मैं आपको दूसरी एसएसआर दिखाता हूँ, ये जो है एसएसआर 240, 20 एम्पीयर और 50 to 60 हर्ट्ज की है। अब इस एसएसआर में और इस एसएसआर में ये जो दोनों एसएसआर हैं, ये वाली और ये वाली, इसमें फ़र्क क्या है? ठीक है, इन दोनों में भी फ़र्क है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है 240 वोल्ट एसी लिखा हुआ है इन्होंने और यहाँ पर 480 वोल्ट एसी लिखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि हमारे जो अगर हम जैसा कि पाकिस्तान में जो थ्री फेज सप्लाई बनती है, जो दो फेज़ होते हैं जब उनको हम फेज़ टू फेज़ वोल्ट चेक करते हैं तो वो बनते हैं जनाब वो बनते हैं 440। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्टैंडर्ड 220 वोल्ट है। ठीक है, 220 230 ये वाले वोल्ट जो है यहाँ पर स्टैंडर्ड है। ठीक है, उसके अलावा जो है इसको जब हम दो फेज इकट्ठे करते हैं तो ये जनाब बनते हैं 440 और 440 प्लस समथिंग, इतने बनते हैं। ठीक है, तो ये जनाब हो गई थ्री फेज़, लेकिन 220 की थ्री फेज़ एसएसआर। ठीक है, जबकि ये वाली जो एसएसआर है ये होगी 110 थ्री फेज़ की। ठीक है, जब 110 110 वोल्ट वाली जो सप्लाई है उसको एक दो जो उसके फेज़ होंगे 110 और 110 जब हम दोनों को मिलाएंगे तो वो जनाब बनेंगे 220। तो ये इन्होंने 240 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सिंगल फेज, ये जो है 110 थ्री फेज की एसएसआर है। सही है, इसको अगर हम 220 थ्री फेज के पॉइंट लगाएंगे तो ये एसएसआर ख़राब हो जाएगी, ये उस पर काम नहीं करेगी क्योंकि इसके जो अंदर पॉइंट हैं वो 220 वोल्ट एसी गुजारेंगे। सही है, अगर इसको 440 वोल्ट एसी में से गुजारेंगे तो ये वाले जो पॉइंट हैं ये ख़राब हो जाएंगे। सही है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है 440 वोल्ट गुजारने की, इसकी 220 वोल्ट गुजारने की है, इसलिए उन्होंने डिज़ाइन ही 220 वोल्ट पर की हुई है एसएसआर। जबकि ये वाली जो एसएसआर है ये 480 वोल्ट एसी पर इसको इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, तो इसमें से थ्री फेज़ जो है 220 के थ्री फेज़ आसानी से गुजर जाएंगे। इसके अलावा RST UVW, यहाँ पर V लिखा हुआ है। सही है, जिस तरह के इसमें लिखा हुआ है RST और UVW, तो इससे आपको आइडिया होगा कि SSR ख़ास तौर पर जो है वो मोटर के लिए इस्तेमाल होती है, थ्री फेज़ मोटर के लिए ख़ास तौर पर SSR को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाले जो पॉइंट हैं जनाब, यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट, तो ये जो पॉइंट है ये इनपुट के पॉइंट है और ये वाले जो है ये लोड के पॉइंट है। सही है, यहाँ पर थ्री फेज़ इन होंगे, थ्री फेज़ जो हमारे पास सप्लाई है वो इन होगी और यहाँ से जो है मोटर के कनेक्शन निकलेंगे, मोटर को जो है हम यहाँ से सप्लाई देंगे, UVW पर मोटर की वायर्स लगेंगी। सही है, सेम इसी तरह से जो है इस एसएसआर में UVW, यहाँ पर मोटर की वायर्स लगेंगी, यहाँ पर जो है हमारी मेन वायर्स लगेंगी।
सही है। इसके अलावा SSR से लॉजिक बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें हम एक्सिलरी पॉइंट इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसमें नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज पॉइंट नहीं आते, बहुत कम जो है SSR हैं जिनके सेंटर वाले जो पॉइंट हैं वो शॉर्ट होते हैं। सही है। आमतौर पर कुछ ख़ास किस्म की SSR होती हैं जिनके जो है सेंटर वाले पॉइंट शॉर्ट होते हैं। तो जो आमतौर पर SSR इस्तेमाल होती हैं, SSR जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें नॉर्मली ओपन पॉइंट ही होते हैं, जब यहाँ से 4 वोल्ट से 32 वोल्ट के दरमियान जो है इसके वोल्ट अप्लाई किए जाते हैं तो SSR जो है वो एक्टिव हो जाती है और जो है इसमें से लोड जो है वो गुजार लेती है। ठीक है। जबकि कॉन्टैक्टर जो है इसको 220 वोल्ट जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो इसके जो पॉइंट हैं वो नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज इस तरह के इसके पॉइंट होते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसको हम बड़ी आसानी से कॉन्टैक्टर को होल्ड करवा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें जो है हमारे पास नॉर्मली ओपन पॉइंट है। सही है। तो नॉर्मली ओपन पॉइंट की मदद से आप बहुत ही आसानी से कॉन्टैक्टर को होल्ड करवा सकते हैं, जबकि SSR को होल्ड करवाना काफ़ी मुश्किल है। SSR को होल्ड करवाने के लिए हमें एक अलग से रिले लगाना पड़ेगी जिसकी मदद से हम इसको होल्ड करवाएंगे। सही है। डायरेक्ट SSR को होल्ड हम नहीं करवा सकते, इसके लिए हमें जो है एक अलग से जो है वो हमें रिले की ज़रूरत होगी। तो इस SSR का जो मेन जो है वो बेनिफिट ये है कि ये नॉइस फ्री है, इसमें नॉइस नहीं होती, इसका शोर नहीं होता। जब इसको ऑन और ऑफ हम करते हैं तो इसका बिल्कुल भी शोर नहीं होता, क्योंकि इसमें मैकेनिकली नहीं, इसमें जो है वो इलेक्ट्रिकली इसके अंदर जो है वो कॉन्टैक्ट होते हैं। ठीक है। जबकि जो कॉन्टैक्टर होता है जब हम इसको ऑन करते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नेट बनता है, मैग्नेट फील्ड बनता है, इसलिए ये मैकेनिकली जो है वो अप डाउन होता है, और ये जो है यहाँ पर आप सुन सकते हैं इस तरह से जो है इसकी आवाज़ भी आती है। तो अगर हम इसको जो है हाई स्पीड स्विचिंग के लिए इसको हम इस्तेमाल करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा इस तरह से शोर होगा, इसको हम पल्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जबकि जो हमारी SSR होती है इसको हम जितनी चाहे मर्जी स्पीड से इसको जो है हम ऑपरेट करवा सकते हैं। ठीक है। तो इसकी बिल्कुल भी नॉइस नहीं होगी, ये ज़ीरो नॉइस होगी इसमें, क्योंकि इसमें मैकेनिकली कोई भी कॉन्टैक्ट आपस में नहीं मिलेंगे, इसमें इलेक्ट्रिकली जो है वो इसकी जो डायग्राम है उसकी मदद से, क्योंकि इसके अंदर SCR होता है, SCR के गेट पर जब हम पल्स देते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है, तो इस तरह की जो है SSR की अंदरूनी जो है वो बनावट होती है, इसलिए इसमें शोर नहीं होता। तो SSR के साथ लॉजिक नहीं बनाया जा सकता, जबकि कॉन्टैक्टर के साथ हम लॉजिक बना सकते हैं। कॉन्टैक्टर का शोर है, SSR का शोर नहीं है, इसलिए दोनों के बेनिफिट भी हैं और फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। ठीक है। तो जो मोटर होती है उसके लिए आमतौर पर SSR को ही प्रेफर किया जाता है, SSR ही लगाई जाती है, क्योंकि इसमें नॉइस नहीं होती। जबकि जिस जगह पर हमें लॉजिक की ज़रूरत होती है उस जगह पर हम कॉन्टैक्टर को इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टैक्टर को, रिले को, क्योंकि कॉन्टैक्टर और रिले सेम ही है, ये लो करंट के लिए होता है, वो हाई करंट के लिए, जो कॉन्टैक्टर है वो हाई करंट के लिए होता है, जो रिले होती है वो लो करंट के लिए होती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था मेन फ़र्क SSR में और मैग्नेट कॉन्टैक्टर में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल हाउ टू इंजीनियर्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।